नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताजातरीन सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। केरल के वायनाड में हुआ लैंडस्लाइड, 63 लोगों की हुई मौत, 400 लोग लापता, 4 गांव पानी में बहे। बारिश की वजह से मदद करने आया एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर वापस लौटा। झारखंड में हावड़ा मुंबई मेल पहले से डीरेल, मालगाड़ी से टकराई, भयंकर टक्कर से 18 डब्बे पटरी से उतरे, अब तक 2 लोगों की हुई मौत, 20 गंभीर घायल। एमपी सरकार का बड़ा ऐलान, लाडली बहनों को 450 रुपए में मिलेगा अब रसोई गैस सिलेंडर, इससे ऊपर की राशि भरपाई राज्य सरकार करेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा में मानसून सत्र की कार्यवाही के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा, कहा बजट में उत्तर प्रदेश की अनदेखी करने और केवल सपने दिखाने का मुद्दा उठाने के साथ बजट से लेकर बिजली और अग्निवीर योजना तक पर एनडीए सरकार को घेरा गया। केंद्रीय गृह मंत्री ने केरल के मुख्यमंत्री से की बात, वायनाड की स्थिति का लिया जायजा। वायनाड में भूस्खलन की घटना को लेकर पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने जताया शोक। पंजाब के आप विधायक कुलवंत सिंह पर गुरुग्राम में FIR, 150 करोड़ से अधिक की ठगी के लगे हैं आरोप। कुल्लू में फटा बादल पुल, दुकानें पानी के साथ बही, होटलों में पानी मलबा घुसा, इसके साथ सेब के बगीचे भी हुए तबाह। बात करें सोने चांदी के भाव की, तो आज सोने चांदी की कीमत में रही गिरावट, गोल्ड 68,713 रुपये पर आया तो वही चांदी 576 रुपये गिर कर 81,616 रुपये प्रति किलो बिकी। शेयर बाजार के सेंसेक्स में 300 अंक से ज्यादा की रही तेजी, तो वहीं निफ्टी में भी 100 अंक की बढ़त देखने को मिली। ऑयल गैस कंपनी के शेयरों में सबसे ज्यादा उछाल रहा। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पूर्व सीएम मनोहर लाल की तारीफ की और कहा कि प्रदेश के युवाओं को मनोहर लाल ने सम्मान दिया। दरअसल पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में मंगलवार को TGT के लिए राज्य स्तरीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री ने 7441 TGT अध्यापकों को नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है, भाजपा शासन में प्रदेश का विकास हो रहा है। साथ ही कहा, आप सभी को दिल से सलाम, आपने अपने माता पिता का नाम रोशन किया। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने आधी रात में रिजल्ट तैयार होते ही घोषित किया, हम सभी का विजन स्पष्ट रहना चाहिए। बताते चले कि मुख्यमंत्री सैनी ने पूर्व सीएम मनोहर लाल की तारीफ की और कहा कि प्रदेश के युवाओं को मनोहर लाल ने सम्मान दिया है। मनोहर लाल ने सख्ती से पर्ची खर्ची को बंद किया, ये पारदर्शिता मनोहर लाल की तपस्या है। सैनी ने कहा कि कांग्रेस लोगों को बरगलाने का काम करती है, बिना पर्ची खर्ची के हमने नौकरियां दी, वही विपक्षियों ने भर्ती रोको गैंग को खड़ा किया। दरअसल इस कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली, विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता समेत मंत्री मूलचंद शर्मा और सीमा तीखा भी मौजूद रही। हालिया हरियाणा के हिसार में सीएम सैनी ने घोषणा की थी कि हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे, तभी से ही भाजपा ने पीएम मोदी के दौरे की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल पार्टी का दावा है कि अगस्त में पीएम मोदी आएंगे और पार्टी की चुनाव तैयारियों की गति को तेज करेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव में जुटी भाजपा की तैयारियों को धार देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी अगस्त में हरियाणा का दौरा कर सकते हैं। वहीं हरियाणा सरकार ने पीएम मोदी से समय मांगा है। भाजपा की योजना पीएम से हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन करने की है। हिसार एयरपोर्ट का निर्माण अंतिम चरण में है। हरियाणा सरकार का दावा है कि अगस्त में हिसार एयरपोर्ट का काम पूरा हो जाएगा। उड़ानों को लेकर करार पहले से ही किया जा चुका है। पहले चरण में 5 शहरों के लिए उड़ानें शुरू कर दी जाएंगी। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला ने केंद्र सरकार से पूछा है कि देश में कोचिंग इंस्टीट्यूट की संख्या क्यों बढ़ रही है और सरकारी स्कूलों की संख्या में लगातार कमी क्यों आती जा रही है। दरअसल राज्यसभा में रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि देश के स्कूलों और विश्वविद्यालयों में लाखों शिक्षकों की कमी है, जिस कारण कोचिंग सेंटर पनप रहे हैं। वहीं दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में हुए हादसे में 4 छात्र छात्रों की दुखद मृत्यु पर शोक जताते हुए सुरजेवाला ने शिक्षा के निजीकरण का विरोध किया। आपको बता दें कि सुरजेवाला ने कोचिंग सेंटर पनपने के 4 कारण भी गिनवाए। उन्होंने कहा कि बच्चों को लेकर माँ बाप की इच्छाएं, बच्चों को आगे बढ़ाने की ललक मेडिकल IIT और IIM जैसे संस्थानों में सीमित
सीटें तथा रोजगार की कमी इन कोचिंग सेंटर को पनपने का बड़ा कारण है। सुरजेवाला ने एक सर्वे रिपोर्ट का हवाला देकर बताया कि देश में साल 2028 तक कोचिंग इंडस्ट्री 1,38,000 करोड़ रुपए का व्यवसाय बन जाएगी। बीते 10 साल में शिक्षा का व्यवसायीकरण और निजीकरण किया गया है। वहीं राज्यसभा सदस्य ने आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा कि 2014-15 में देश भर में 11,07,118 सरकारी स्कूल थे। वहीं साल 2021-22 तक उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि सरकारी स्कूल बढ़ने के बजाय कम हो गए हैं। हरियाणा में 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। वहीं अब ऐसे में पार्टियां हर वह मुद्दा उठा रही हैं जिससे लोग प्रभावित हैं। दरअसल हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली चुनावी जनसभा में टोल प्लाजा का मुद्दा उठाया है। बता दें कि इस मुद्दे को इतना प्रभावी बताया जा रहा है कि 5 साल पहले जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला इस मुद्दे को उठाकर हरियाणा में 10 विधानसभा सीट जीत चुके हैं, लेकिन फिर भी चुनाव जीतने के बाद भी वे एक भी टोल बंद नहीं करवा पाए। हालांकि दरअसल आप पार्टी पंजाब में बंद हुए टोल प्लाजा के नाम पर हरियाणा में वोट मांग रही है। बताते चले कि हरियाणा के हर जिले में कई टोल प्लाजा हैं और इन पर लाखों रुपए टैक्स आता है। हिसार के बरवाला विधानसभा में पहली रैली में ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा था, पंजाब में हमने 17 टोल प्लाजा बंद करा दिए हैं। ये टोल प्लाजा कांग्रेसियों, भाजपाइयों और अकाली नेताओं के थे जो अवैध वसूली करते थे। हमने सारे अवैध वसूली करवाना बंद कर दिए हैं। महिला कोच से छेड़छाड़ मामले में हरियाणा के पूर्व मंत्री व भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह के खिलाफ जिला अदालत में आरोप तय कर दिए गए हैं। बता दें कि अदालत ने पीड़िता को पेश होने के लिए समन भी जारी किया है। हालांकि अदालत की ओर से पीड़ित पक्ष की उस मांग को खारिज कर दिया गया जिसमें संदीप सिंह के खिलाफ दुष्कर्म का केस चलाने की मांग की गई थी। वहीं अब जिला अदालत में 17 अगस्त से ट्रायल चलेगा। बताते चले कि 2 साल पहले महिला कोच ने संदीप सिंह पर यह आरोप लगाए थे। इस मामले में सेक्टर 26 थाना पुलिस ने संदीप सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की थी। इसके बाद संदीप सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। 2 साल पहले हरियाणा खेल विभाग के एथलेटिक्स कोच ने पूर्व मंत्री पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे। उसकी शिकायत पर पुलिस ने 31 दिसंबर 2022 को संदीप सिंह के खिलाफ IPC की धारा 354, 354A, 354B, 342, 506 और 509 के तहत केस दर्ज किया था। वहीं संदीप सिंह ने इस मामले में आरोप मुक्त किए जाने की अर्जी भी दायर की थी जिसमें उन्होंने खुद को बेकसूर बताया था, लेकिन यह अर्जी अदालत ने रद्द कर दी है। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।